अस्सलामुअलैकुम। हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आप लेक्चरर ऑफ एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहायत इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस की हामिल होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर वीडियो नंबर 3 में हम साइकोलॉजी के टॉपिक पर मबनी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं पीपीएससी के और एफपीएससी के प्लेटफॉर्म से, वो आज हम न सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे बल्कि अच्छे तरीके से डिटेल के साथ उन्हें कम्प्रीहेंड करेंगे। साइकोलॉजी बेसिकली हम उर्दू में नफ्सियात को कहते हैं, और ये जो पोर्शन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में पैरागोजिकल पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा एक टीचर को असेस करने के लिए इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो साइकोलॉजी वर्ड है ये किस से माखुज है, कौन सी जुबान से इसकी ओरिजिन बनती है? इटालियन, इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक। तो आपने ये चीज़ जहन नशीन रखनी है कि ये जो साइकोलॉजी है ये बेसिकली ग्रीक ओरिजिन वर्ड है। साइकोलॉजी कौन सा वर्ड है? ग्रीक। जिस तरह आपको पता है फिलोसफी जो वर्ड है वो भी ग्रीक ओरिजिन है, और जो साइकोलॉजी है, नफ्सियात है, ये भी ग्रीक ओरिजिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड साइकोलॉजी मीन्स, ये जो साइकोलॉजी वर्ड है, लफ्ज है, इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है स्टडी ऑफ माइंड, बी स्टडी ऑफ कॉन्शियंस, सी स्टडी ऑफ बिहेवियर, डी स्टडी ऑफ सोल। तो जो फंडामेंटल इसका मतलब है वो है स्टडी ऑफ सोल, क्योंकि साइकोलॉजी बेसिकली दो अल्फाज से मिलकर बना है, साइकी पहला लफ्ज है और साइकी का मतलब होता है सोल, तो इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ सोल। बुनियादी तौर पर इसका ये मतलब होता है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर करते हैं। तो पहले पहल जो कंसेप्ट था वो था स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी को कहा जाता था स्टडी ऑफ सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो साइकोलॉजी टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, इसमें हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? सोल, रूह तो नज़र नहीं आती, हाँ इंसान का किरदार जो उसकी आदतों का मजमूआ होता है वो नज़र आता है। तो हम देखते हैं जी, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आंसर करेंगे। एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंस, रीजनिंग और ह्यूमन बिहेवियर। तो साइकोलॉजी जो है ये बेसिकली मुताला है ह्यूमन बिहेवियर का, इंसानी रवैये का, इंसानी किरदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो साइकोलॉजी है इसमें दो जो टर्म्स हैं वो साइमल्टेनियसली चलती हैं, एक है ग्रोथ जिसके बारे में अभी क्वेश्चन आया है, और एक है डेवलपमेंट। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी गेन करनी है कि ग्रोथ का क्या मतलब होता है और डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, ग्रोथ के अंडर कवर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होती हैं, या डेवलपमेंट किस चीज़ का नाम है और ग्रोथ किस चीज़ का नाम है। एनीवेज क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन, ग्रोथ का बेसिकली मतलब होता है बढ़ना, बढ़ोतरी होना, ज़्यादा होना। तो ग्रोथ का मतलब होता है ज़्यादती किस चीज़ में, साइज, हाइट, वेट और ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रोथ जो होती है ये बेसिकली नज़र आने वाला फिनोमिनन है, और ये साइज भी बढ़े तो इसे हम ग्रोथ कहते हैं, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, मतलब नाक है तो छोटा, मुंह है तो छोटा, हाथ है तो छोटे छोटे, नन्हे नन्हे बाजू, छोटी छोटी आंखें, प्यारे प्यारे छोटे छोटे लिप्स, ठीक है। और इसी तरह हाइट, हाइट के लिहाज से अगर बढ़ोतरी हो
तो उसे भी हम ग्रोथ कहते हैं। और वेट, वजन के हवाले से, वजन के लिहाज से भी अगर बढ़ोतरी हो तो हम उसे ग्रोथ कहते हैं। तो डेफिनेटली जो इसका जवाब आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के अंदर अगर इजाफा हो तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये आपने बात ज़हन नशीन रखनी है कि ग्रोथ जो होती है वो साइज, हाइट और वेट में इजाफे का नाम होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन डैश सेंस। जो टर्म कहते हैं इस्तिलाह को, ये जो ग्रोथ इस्तिलाह है ये कौन से सेंस में, मानी में इस्तेमाल होती है? इंटेलेक्चुअल होती है, साइकोलॉजिकल होती है, सोशल होती है, या फिजिकल होती है? तो ये प्योर जिस्मानी होती है। जिस्म का साइज बढ़े तो फिर भी ये क्या है? ग्रोथ है। जिस्म की हाइट बढ़े, लंबाई बढ़े तो फिर भी ये क्या है? ग्रोथ है। और जिस्म का वजन बढ़े तो फिर भी ये क्या है? ग्रोथ है। इंटेलेक्चुअल, जहनी, ये नहीं होती ग्रोथ, ठीक है, इसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। साइकोलॉजिकल भी नहीं होती, ठीक है, सोशल भी नहीं होती, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें डेवलपमेंट है। और जो ग्रोथ होती है वो प्योर फिजिकल होती है, ठीक, आपके जिस्म की लंबाई में, ठीक है, इसके वेट में और इसके हाइट में जब इजाफा हो तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो ये प्योरली ये आपने अंडरस्टैंड करना है, कम्प्रीहेंड करना है, और इसे हमेशा के लिए जहन में आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आनी है, जो कि ये जो टर्म ग्रोथ होती ये प्योर फिजिकल होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट। किस तरह की जो बढ़ोतरी होती है ये अहम होती है? मेंटल, फिजिकल, मॉरल और ऑल ऑफ अबव। तो जो ग्रोथ होती है बेसिकली ये मेंटल भी हो, मतलब दिमाग का साइज बढ़े, ठीक है, फिजिकल हो, ठीक है, तो फिर भी मतलब इम्पॉर्टेंट है। मॉरल, अखलाकी लिहाज से भी आपका जो कद काठ है वो बढ़े, और ऑल ऑफ अबव, तो इन सब का जो मजमूआ है, जो सूटेबल आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो है डेवलपमेंट का। मैंने पहले बता दिया कि एक डेवलपमेंट और दूसरा ग्रोथ, ये दोनों बड़े ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो डेवलपमेंट मींस चेंज इन, जो डेवलपमेंट का मतलब होता है किस चीज़ में तब्दीली, फॉर्म, शक्ल में, स्ट्रक्चर में, हेयत में, और शेप किसी चीज़ की, वो भी शक्ल को ही कहते हैं। तो ये अपने से नशीन रखना है कि डेवलपमेंट बेसिकली इन तीनों चीज़ों में जो तब्दीली आती है उसका नाम है डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है ये आपकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, आपके दिमाग की जो नश्वोनुमा होती है, जो तरक्की होती है, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे आप एक वर्ड आपने सुना होगा कॉग्निशन, पहचान। तो पहचान आप किससे करते हैं? आप दिमाग को यूज़ करके, मेंटल फैकल्टीज़ को इस्तेमाल करके फिर आप किसी से कॉग्निशन करते हैं, किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। तो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है ये मेंटल डेवलपमेंट होती है। जब आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंकर है, और इसकी जो कॉग्निटिव थीरी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जीन प्याजे इसका नाम है, और इसमें से कमोबेश 4 से 5 क्वेश्चंस बाज़ुकात पीपीएससी एफपीएससी में लाजमी सेट होते हैं। तो इसका नाम है जीन प्याजे प्रेजेंटेड द थीरी ऑफ, ये बेसिकली प्रेजेंटेड था, यह आपने करेक्ट कर लेना है। एनीवेज अभी तो आप जस्ट कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जीन पियाजे ने कौन सी
कौन सा फ़लसफ़ा, कौन सी स्कूल ऑफ थॉट, या कौन सा ख्याल, या कौन सा नज़रिया पेश किया था? साइकोलॉजी, मॉरल, इमोशनल और कॉग्निटिव। तो जीन पियाजे ने जो थीरी पेश की थी वो कॉग्निटिव थी। ये आपने इसे नशीन रखना है कि जीन पियाजे ने जो थीरी दी थी वो थी कॉग्निटिव थीरी। कौन सी थी? कॉग्निटिव थीरी। जीन पियाजे प्रेजेंटेड कॉग्निटिव थीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे के सारे जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव थीरी है उसको सीक्वेंस के साथ अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्वेश्चंस मैंने एक सीरीज और सीक्वेंस के साथ दिए हैं, ताकि आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो 100% हो जाए। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे। ये जो जीन पियाजे ने बेसिकली अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थीरी दी थी, इसमें ये जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस मेंशन की हैं? जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस मेंशन की हैं? कॉग्निटिव, दिमाग की, मतलब दिमाग इंसान का, जब इंसान पैदा होता है, बच्चा होता है, तो वो कैसे चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, कैसे उनकी खुसूसियात को याद रखता है, अंडरस्टैंड करता है और फिर बिहेवियर अपना डेवलप करता है। तो इसने इंसान की जो मेंटल डेवलपमेंट है उसे चार हिस्सों में तकसीम किया है। एनीवेज ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितने मराहिल बयान किए हैं। A1, B2, C3, D4। तो चार जो हैं, चार कितने, चार जो मराहिल हैं, चार स्टेजेस हैं, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे ने प्रेजेंट की हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो चार स्टेजेस हमने पढ़ी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ये चार हैं, लेकिन कितने अरसा तक पहली डेवलप होती है, फिर कौन सी उसके बाद होती है, और कितना अरसा तक वो डेवलप होती रहती है, ये सारे का सारा जो डिटेल है ये आगे इन क्वेश्चंस में आ रही है। तो पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 years इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जो पीरियड है पैदाइश से लेके 2 साल तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, इसे जीन पियाजे ने किस चीज़ का नाम दिया है? ए सेंसरी मोटर स्टेज, बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टेज। तो जो बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल का अरसा है, इस मेंटल डेवलपमेंट को जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज का नाम दिया है। जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन्फेंसी इज अ स्टेज ऑफ। इन्फेंसी कहते हैं शीर खारगी, मतलब इंसान जब पैदा होता है, बच्चा, तो जब तक वो अपनी माँ की ममता की गिज़ा पर डिपेंडेंट होता है, इन्हिसार करता है, मतलब माँ का दूध पीता है और उसके अलावा कोई चीज़ खाता पीता नहीं है, तो उस दौरानिए को हम कहते हैं इन्फेंसी, इन फैंसी, और इसकी उर्दू होती है शीर खारगी। ठीक है, तो इस इन्फेंसी को जीन पियाजे कौन सी स्टेज में रखता है? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशन स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, या फॉर्मल स्टेज में? तो डेफिनेटली पैदाइश से लेके 2 साल का जो अरसा होता है, इसे हम सेंसरी मोटर स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं जी। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 7 years इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड। अब सवाल ये हो रहा है कि पहली स्टेज हो गई पैदाइश से लेके 2 साल तक, और दूसरी स्टेज है 2 साल से लेके 7 साल तक। तो जीन पियाजे इस स्टेज को, इस मरहले को, कि जिसमें इंसान की मेंटल फैकल्टीज डेवलप हो रही होती हैं, तो इसे वो क्या नाम देता है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, और फॉर्मल स्टेज। तो बेसिकली जो दूसरी स्टेज है 2 से 7 साल तक, इसे जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज का नाम देता है। नेक्स्ट है पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 11 years इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड।
अब फिर जीन पियाजे की जो तीसरी स्टेज है, जो 7 साल से लेके 11 साल तक होती है, इसे जीन पियाजे कौन सा नाम देता है? तो वो करेक्ट ऑप्शन है कंक्रीट स्टेज, कंक्रीट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 12 टू ऑनवर्ड्स ईयर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जो 12 साल से लेके उसके बाद का जो मेंटल डेवलपमेंट का पीरियड है, पियाजे उसे कौन सी स्टेज का नाम देता है? तो वो चौथी स्टेज है और उसे पियाजे कहता है फॉर्मल स्टेज। 12 साल का जो बच्चा होता है वो, उसका दिमाग जो है वो 12 साल से आगे जितना भी डेवलप हो जाए, पियाजे उसे फॉर्मल स्टेज में रखता है। तो ये बेसिकली 4 स्टेजेस थी जिनके बारे में जानना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहायत लाजमी थी, नहायत अहम थी। लिहाजा आपने ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से 2 साल तक, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक, और फिर कंक्रीट स्टेज 7 से 11 साल तक, और फिर फॉर्मल स्टेज जैसे 12 से लेके बाकी साल तक, जितना भी दिमाग जो मेंटल फैकल्टीज होती हैं डेवलप करती हैं होती हैं, उस सारी के सारे दौरानियों को हम कहते हैं फॉर्मल स्टेज। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज आर। जो सेंसरी मोटर स्टेज है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, उसकी खसूसियात क्या हैं? तो उसकी खसूसियात दर्ज ज़ैल हैं, ये सारी की सारी सेंसरी मोटर स्टेज की खसूसियात हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इस पहली स्टेज के अंदर, जिसके अंदर जो मेंटल डेवलपमेंट है वो वकूअ पज़ीर होती है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटी, मतलब सेंसेस की डेवलपमेंट होती है और मोटर की एक्टिविटी होती है, मतलब मूवमेंट होती है, क्रॉलिंग होती है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, थर्ड है सेल्फ एंड द वर्ल्ड, और फोर्थ है रिफ्लेक्सेस। आपने ये चीज़ ज़हन नशीन रखनी है कि जीन पियाजे ने मेंटल डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में बयान किया है। वो ये समझता था कि इंसान की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक 4 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो ह्यूमन माइंड है वो डेवलप करता है, वो ये चीज़ें हैं, ठीक है, या वो लर्न करता है। नेक्स्ट स्टेज के बारे में क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज आर। तो ये जो है, अब सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें कौन कौन सी खसूसियात हैं और जो ह्यूमन माइंड है वो क्या क्या चीज़ें नई लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है या अपने अंदर इम्प्रूव करता है। तो वो ये 5 चीज़ें हैं ये जो इम्पोर्टेंट हैं, आपने इन कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सिमियोटिक फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन, एगोसेंट्रिसिज्म एंड एनिमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आर। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, मतलब 3rd स्टेज है, उसकी खसूसियात क्या हैं? तो उसकी खसूसियात दर्ज ज़ैल हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन एंड ट्रांजिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आर। अब जो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चौथी फॉर्मल स्टेज है जिसमें ह्यूमन माइंड डेवलप होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन माइंड सीख जाता है या एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है या ऑपरेट करना शुरू कर देता है? तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इंसान उन चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है और अच्छे तरीके से उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देता है जो इन रियल सेंसेस में हम कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और सेकंड है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, मफरूजों पर इंसान की जो सोच विचार है वो भी काम करना शुरू कर देती है और उसका फिर सॉल्यूशन भी तलाश कर लेती है। अगर आपने इन 4 स्टेजेस के बारे में तफसील से ये कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं, तो इंशाल्लाह अल अजीज़ इस वीडियो के बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो जीन पियाजे की जो थीरी है, कॉग्निटिव थीरी, उस पर इंशाल्लाह अल अजीज़ मैं वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के अंदर हम डिटेल में
जो जीन पियाजे की थीरी है इसे अलोंग विद ऑल कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेशन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ट्रांसलेशन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय। ऑप्शन ए ब्रूनर, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो जो ट्रांसलेशन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, ये जितने भी मतलब आप फ्रेज पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या लॉजिकल थिंकिंग के बारे में है। तो लॉजिकल थिंकिंग के बारे में जो काम किया है, जो सबसे ज़्यादा जिसे पॉपुलैरिटी हासिल हुई है कॉग्निटिव डोमेन में, तो वो जीन पियाजे है। तो ये जीन पियाजे का आप कह सकते हैं कि वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट एट द स्टेज ऑफ। जीन पियाजे के मुताबिक जो बच्चा है वो जो चीज़ें मंजर से हट जाती हैं उन्हें भुला देता है। ये कौन सी स्टेज में बच्चे का माइंड ये अंडरस्टैंड करना शुरू करता है? तो सेंसरी मोटर स्टेज पे, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशन स्टेज पे, ऑप्शन सी कंक्रीट स्टेज पे, या ऑप्शन डी फॉर्मल स्टेज पे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि चाइल्ड जो माइंड होता है वो एट इनिशियल स्टेजेस मतलब पहली स्टेज के ऊपर उसे ये महसूस होता है कि जो चीज़ उसकी नज़रों के सामने नहीं है उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई है, उसका वजूद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। तो इनिशियल स्टेजेस पे जो ह्यूमन माइंड होता है उसका ये कंसेप्ट होता है, बाद में स्कीमास वगैरह तब्दील होते रहते हैं। तो ये जो मखसूस एक कंसेप्ट है चाइल्ड फॉरगेट्स द थिंग्स आउट ऑफ साइट, आपने इसे याद रखना है कि ये कौन सी स्टेज के साथ एसोसिएटेड है। ये पहली स्टेज के साथ एसोसिएटेड है, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज इज। जीन पियाजे के मुताबिक सेंसरी मोटर स्टेज का जो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है ह्यूमन माइंड के हवाले से वो क्या है? एगोसेंट्रिसिज्म, सेंट्रेशन, परमानेंस और ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आपने ये बात जहन नशीन रखनी है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में जो कंसेप्ट है वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही डेवलप हो जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज के साथ एसोसिएटेड है कौन सा कंसेप्ट? ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये दोबारा वही क्वेश्चन है लेकिन जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, बी प्री ऑपरेशन स्टेज, सी कंक्रीट स्टेज एंड डी फॉर्मल स्टेज। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कंसेप्ट है ये सेंसरी मोटर स्टेज के साथ खास है, तो इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चाइल्ड थिंक्स और डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ अनसिस्टमैटिकली एट द एज ऑफ। जीन पियाजे के मुताबिक बच्चा अपने आप को अनसिस्टमैटिकली मतलब ज़्यादा मुनज्जम तरीके से नहीं बल्कि गैर मुनज्जम तरीके से अपने आप को बयान करना, अपने आप का इजहार करना शुरू करता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है? सेंसरी मोटर स्टेज, बी ऑप्शन प्री ऑपरेशन स्टेज, सी ऑप्शन कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज और डी ऑप्शन फॉर्मल स्टेज। तो ये इसका आंसर है प्री ऑपरेशन स्टेज, क्योंकि बच्चा जब दूसरी स्टेज में आता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करता है, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन होता है, जो वो बयान करता है चीज़ों को, वो गैर मुनज्जम होता है। क्योंकि दो साल तक तो बच्चा बोलता ही नहीं है, बोलना स्टार्ट करता है कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो बच्चा कुछ थोड़ा सा अपने आप को बयान करना शुरू करता है, लेकिन वो अनसिस्टमैटिकली होता है, सिस्टमैटिकली नहीं। तो वो जो स्टेज होती है वो सेकंड स्टेज होती है, प्री ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट है जी, इन प्री ऑपरेशन स्टेज द चाइल्ड लर्न्स रैपिडली। अब जो दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशन स्टेज, इसमें बच्चा तेजी से कौन सी चीज़ें सीखता है? एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन मतलब बोलने की जो सलाहियत होती है, लैंग्वेज, जुबानदानी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव।
तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि बच्चा प्री ऑपरेशन स्टेज पे जब वो अपने आप को अनसिस्टमैटिकली एक्सप्रेस करता है, डिस्क्राइब करता है चीज़ों को, वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है, तो वो एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करता है, डेवलप करता है और लैंग्वेज को डेवलप करता है। आपको पता है कि ये जो ड्यूरेशन होता है प्री ऑपरेशन स्टेज का, ये 2 साल से ऑनवर्ड 7 साल तक की एज का जो दौरानिया होता है वो होता है प्री ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पे आइए स्टार्ट्स एट द एज ऑफ। अब जो लॉजिकल थिंकिंग है, मंतकी जो सोचो विचार है, किसी रीज़न की बुनियाद पर किसी चीज़ के वकूअ पज़ीर होने के बारे में सोचना या उस पर यकीन रखना, ये इस तरह का जो ह्यूमन माइंड बिहेवियर है, ये कब कौन सी स्टेज पे शुरू होता है? सेंसी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज? तो इसका जवाब है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली एट द एज ऑफ। अब जी जीन पियाजे के मुताबिक बच्चा जो है वो बिल्कुल मंतकी तरीके से अपने आप को क्या करता है, सोचना शुरू करता है, तो वो कौन सी स्टेज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एट। जो प्रिंसिपल्स कवानीन है कंजर्वेशन के, वो बच्चा कब सीखना शुरू करता है? तो इसका आंसर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इस वजह से जस्ट जो जवाबात हैं उन्हीं पर इन्हिसार करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज द चाइल्ड, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो थर्ड है उसमें बच्चा कौन कौन सी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करता है? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, मतलब माइंड के रिलेटेड। इनक्रीजिस नॉलेज, बच्चा इल्म में इजाफा करता है, मेक डिस्कशंस, वो बहुत ज़्यादा बासा करता है, ठीक है, मीट्स पीपल, लोगों से मिलता है, और ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं तीन की तीन, ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा क्या करता है, अपने कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में अपने अंदर इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल डेवलपमेंट रीचेज एट इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग। जो अकॉर्डिंग टू जीन पे आइए कि जो मेंटल डेवलपमेंट होती है ये अपने उरूज पर किस दौरानिया के दौरानिया में पहुंचती है, तो इसका जो जवाब है वो है फॉर्मल स्टेज, जो चौथी स्टेज है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू जीन पे आइए, जो 12 साल से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। जीन पियाजे का ये कहना है कि इसके अंदर इंसान का जो माइंड है वो मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करना शुरू कर देता है 12 साल से के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? इमेजिनेशन है, एस्थेटिक सेंस है और क्रिएटिविटी है। इसके अलावा जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, वो थी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंकिंग एंड रीजनिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो सोचना है और मंतकी दलील देनी है किसी बुनियाद, किसी रीज़न पर, किसी वजह पर, किसी इल्लत पर किसी चीज़ को समझना है, ये कौन सी स्टेज की खसूसियात हैं? तो ये भी फॉर्मल स्टेज की खसूसियात हैं, क्योंकि जब दलील कोई देता है किसी वाक्या के पीछे, तो ये तब इंसान देता है जब उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये क्लाइमैक्स तक पहुंच चुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज सेंट्रल नोशन ऑफ पियाजेस थीरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो जीन पियाजे की थीरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मेन चीज़ है वो क्या है? एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एक्विलिब्रियम या स्कीमा? तो स्कीमा जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है, क्योंकि स्कीमा को
पियाजे की जो थीरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। और स्कीमा बेसिकली है क्या, ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह अज़ीज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थीरी के ऊपर बाय जीन पियाजे, उसमें मैं डिटेल में आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स डिलीवर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंसेप्ट और फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट्स इन अ पर्सनस माइंड टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड इट्स रेंज इज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। अब ये बेसिकली जो स्कीमा के बारे में मैं कर रहा था उसकी ये डेफिनेशन है कि स्कीमा होता क्या। ये बेसिकली एक कंसेप्ट है और फ्रेमवर्क है। ये एक जो इंसान के माइंड के अंदर तश्कील पा जाता है, ठीक है, और उसके मुताबिक फिर इंसान क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये बेसिकली स्कीमा है। इसका आंसर क्या है, स्कीमा। ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। नेक्स्ट है जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाई फिटिंग इट वट इज ऑलरेडी नोन इज। कोई नई चीज आप क्या करते हैं, अपने दिमाग के अंदर उसका स्कीमा बनाते हैं, उसे मेमोराइज करते हैं, उसे आप प्रिजर्व करते हैं या उसकी या उसे आप अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज की मदद से जो आपके जहन के अंदर पहले से मौजूद है या उसके मुताबिक। तो इस चीज को, इस मेंटल एक्टिविटी को क्या कहते हैं, तो इस मेंटल एक्टिविटी को कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, दोबारा रीड करता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई चीज समझना, न्यू नई चीज, बाय फिटिंग इट, किसके मुताबिक बनाकर, व्हाट इज ऑलरेडी नोन इज, जो पहले से चीज मालूम है उसके उसकी मुताबिकत में किसी नई चीज को समझना, इसे जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी में कहते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू नॉलेज इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल उसके सेम कंसेप्ट वाला ये क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर वर्ड्स डिफरेंट है, बाकी जो कंसेप्ट है वो वही है। लिहाजा इसका भी जवाब क्या होगा, एसिमिलेशन। न्यू नॉलेज इज इनकॉर्पोरेटेड मतलब नया जो नॉलेज है वो क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, वो शामिल होता है इनटू में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, पहले से मौजूद आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है, जो नॉलेज है, जो इल्म है, उसके पहले से जो मौजूद है उसके उसमें कोई नई चीज क्या करना, इनकॉर्पोरेट करना, दाखिल करना, मिलाना, मुताबिकत देना। तो इस चीज को हम कहते हैं सिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट थिंकिंग बट नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन इज। आपका दिमाग सोच रहा है लेकिन उस चीज को, उस कंसेप्ट को या उस हैपनिंग को या उस फिनोमिनन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो जीन पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी के मुताबिक ये कौन सी आप कह सकते हैं कि माइंड की एक्टिविटी का नाम है या माइंड की स्टेट का नाम है, स्कीमा है, अकोमोडेशन है, एक्विलिब्रियम है या डिस एक्विलिब्रियम है। तो जब आपका दिमाग या बच्चे का दिमाग सोचे लेकिन उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो जीन पियाजे कहता है कि इस स्टेट ऑफ माइंड का नाम है डिस एक्विलिब्रियम। डिस एक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट थिंकिंग एंड फाइनली अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन इज। अब देखें, बच्चे का दिमाग सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, किसी फिनोमिनन के बारे में, किसी ओकेजन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और फाइनली अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, और आखिरकार बच्चा उसे समझ लेता है या इंसानी दिमाग उसे समझ लेता है। तो इस स्टेट ऑफ माइंड को जीन पियाजे कौन सा नाम देता है, स्कीमा, अकोमोडेशन, डिस एक्विलिब्रियम या एक्विलिब्रियम। तो जब इंसानी दिमाग सोचे और फिर उसे अंडरस्टैंड कर ले तो इस स्टेट ऑफ माइंड को जीन पियाजे कहते हैं एक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन सीक्वेंस एज पर वन एस्पेक्ट इज। चीजों को एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ क्या करना, अरेंज करना इंसानी दिमाग के अंदर, या वैसे उसे एक्सप्रेस करना एक तरतीब के साथ, इसे क्या कहते हैं, सीरिएशन। सीरिएशन, बस करेक्ट जवाब पर मैं अब क्या करूंगा आपको बताऊंगा और आपने अंडरस्टैंड करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकसिंग ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक इज।
एक ही खुसूसियात खुसूसियत पे, एक ही चीज पे, एक ही पहलू पे क्या करना, तवज्जो मरकूज करना, तो इसे कहते हैं सेंट्रेशन, सेंट्रेशन, सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चाइल्ड एडजस्ट न्यू इंफॉर्मेशन, जब बच्चा क्या करता है नई मालूमात को क्या करता है के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है, तो या उसका दिमाग अपने आप को, बेसिकली ये दिमाग की बात हो रही है क्योंकि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो इसमें माइंड की बात होगी, माइंड के फंक्शंस की, माइंड के स्टेट की, उसकी हालत की, तो ये अकोमोडेशन कहते हैं। जब इंसानी दिमाग न्यू इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एडजस्ट कर ले अपने आप को, तो इसे अकोमोडेशन कहते हैं, अकोमोडेशन। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन इन पियाजेशियन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थीरीज। अब ये अडेप्टेशन का, अडेप्ट आपको पता है ना, इसका मतलब होता है अडेप्ट के मुताबिक बनाना या के मौजू बनाना, के साजगार बनाना। तो ये अडेप्टेशन का प्रोसेस ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकग्निशन होता है, एडजस्टमेंट होता है, इंटरप्रटेशन होता है, या असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन होता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना कि प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन जो होता है ये होता है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अब जो इस लेक्चर के इस हिस्से के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस अबाउट डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो इंसान की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है डेवलपमेंट और दूसरी है ग्रोथ। ये हमने शुरू लेक्चर के शुरू में ये कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए थे। फिर आगे ये अलहदा से थीरीज आती हैं कि डेवलपमेंट की थीरीज, डेवलपमेंट ऑफ माइंड की थीरी, जैसे जीन पियाजे ने काम किया है, फिर डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर की थीरी, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन की थीरी, ठीक है, ये आगे मुख्तलिफ चीज़ें बढ़ती जाती हैं, लेकिन शुरू में दो ही कंसेप्ट हैं। वो क्या, डेवलपमेंट कैसे होती है, वो फिजिकल हो, वो मेंटल हो, ठीक है, वो मोटिवेशनल हो, और दूसरा ग्रोथ कैसे होती है, वो साइज की हो, वो हाइट की हो, या वो वेट की हो, ठीक है। अब डेवलपमेंट के हवाले से क्वेश्चंस हैं कि इंसान के पैदाइश से लेके डेथ तक डेवलपमेंट कैसे होती है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम, एक इनफरादी इंसान की जो पैदाइश जिंदगी का आगाज होता है वो कब होता है, सेल से होता है, मेम्ब्रेन से होता है, न्यूक्लियस से होता है, या जाइगोट से होता है। तो इसका आंसर है जाइगोट्स। इंसान की जिंदगी का आगाज अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जाइगोट्स से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज प्री नेटल पीरियड। अब ये प्री नेटल पीरियड एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल जो क्वेश्चंस हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, ये इन्हीं क्वेश्चंस में से सेट होते हैं, तो आपने ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। प्री नेटल पीरियड ये प्योरली बायोलॉजिकल है, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, जब प्रेगनेंसी डेवलप होती है तब से लेके पैदाइश तक का जो पीरियड होता है इंसानी वजूद पर, इंसानी वजूद की तश्कील होती है, फिर तकमील होती है, तो इस पीरियड को कहते हैं प्री नेटल पीरियड। मतलब माँ के पेट के अंदर जो ड्यूरेशन होता है, पीरियड होता है इंसान का, उसे हम कहते हैं प्री नेटल पीरियड, डिलीवरी से पहले पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगो टू 250 to 300 days एज, जाइगोट से लेके 250 से 300 दिन तक, मतलब वही 250 से 300 दिन का मतलब है डिलीवरी से पहले पहले, तो ये क्वेश्चन कंसेप्ट वही है लेकिन नए वर्ड्स के साथ। तो ये कौन सा पीरियड हुआ, प्री नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 weeks इज, अब बर्थ हो गई है बच्चे की, ठीक है, और इससे 2 हफ्ते तक का जो पीरियड होता है इसका नाम होता है न्यूनेट पीरियड, न्यू नेट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेंसी इज, शीर खारगी, जब बच्चा किसी और खुराक के सहारे की बजाय जस्ट माँ के दूध का सहारा लेता है, ठीक है, तो उस
उम्र को, उस एज को, एज डेवलपमेंटल एज को क्या कहते हैं, उसका सॉरी ड्यूरेशन क्या होता है, बर्स टू थ्री इयर्स, बर्स टू थ्री इयर्स ये मैक्सिमम है, बर्स टू टू एंड हाफ इयर्स और थ्री इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दी ड्यूरेशन ऑफ चाइल्डहुड इज, चाइल्डहुड जो बचपन होता है उसका दौरानिया क्या होता है, 4 से लेके 12 साल तक बच्चे का क्या होता है, ये बचपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ड्यूरेशन ऑफ प्री चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड को फर्दर क्लासिफाई किया जा रहा है प्री चाइल्डहुड में, ठीक है। तो प्री चाइल्डहुड कौन सा होता है, इब्तदाई बचपन 4 से लेके 6 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ड्यूरेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड होता है 7 to 9 years। नेक्स्ट है जी दी ड्यूरेशन ऑफ लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड का ड्यूरेशन क्या है, 10 से 12 साल तक। नेक्स्ट है जी दी ड्यूरेशन ऑफ एडोलेसेंस इज, एडोलेसेंस इज जो आपके लड़कपन का होता है ड्यूरेशन, वो कौन सा होता है जिसमें, अच्छा जी वो है प्यूबर्टी टू मैच्योरिटी, प्यूबर्टी टू मैच्योरिटी जिसे आप सने बलूगत भी कहते हैं, ठीक है। जब लड़का लड़का बन रहा होता है और लड़की लड़की बन रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द ड्यूरेशन ऑफ एडल्टहुड इज, द ड्यूरेशन ऑफ एडल्टहुड इज, एडल्टहुड का ड्यूरेशन क्या होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, अडल्ट होना, जवान होना, जवानी, तो वो है मैच्योरिटी टू प्रोडक्टिविटी, जब इंसानी दिमाग मैच्योर होता है और इंसानी जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं, ठीक है, 20 से 30 साल तक, या प्रोडक्टिविटी देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द ड्यूरेशन ऑफ ओल्ड एजेस, जो बुढ़ापे का दौरानिया है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी टू डेथ 61 to 70 years, प्रोडक्टिविटी से लेके 61 से 70 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द ड्यूरेशन ऑफ सेनिलिटी इज, सेनिलिटी इंतहाई बुढ़ापे को कहते हैं, ठीक है, ये 70 साल से लेके ऑनवर्ड डेथ तक का जो ड्यूरेशन होता है इसे सेनिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये बच्चे की का वजन क्या होता है, उस परस्पेक्टिव में ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे के सारे डेवलपमेंट के क्वेश्चन हैं। एट बर्थ द एवरेज वेट ऑफ अ फुल टर्म बेबी इज, मुकम्मल सेहतमंद जो बच्चा पैदाइश के वक्त, उस जब पैदाइश होती है तो उसका वेट क्या होता है, बॉयज 8 pounds, गर्ल्स 7 pounds। बच्चों का जो वजन होता है वो 8 pound होता है और जो बच्चियों का वजन होता है वो 7 pound होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी At birth, which of the following is closest to its final adult level? पैदाइश के वक्त इंसानी organ में से वो कौन सा हिस्सा है जिसकी जो आप कह सकते हैं development होती है वो एक जवान इंसान की development के बिल्कुल करीब करीब होती है, तो वो क्या है जी, उसका answer है number of brain cells। ये बिलियंस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ चाइल्ड आर अफेक्टेड बाय, जो इंसानी ग्रोथ है और लर्निंग है वो असरअंदाज होती है किन चीजों से, एनवायरनमेंट, हेरिडिटी, नाइदर ए नॉर बी, या नीदर ए नॉर बी और बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो लर्निंग है ये मुतासिर होती है एनवायरनमेंट से भी और हेरिडिटी से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय, जो जिस्मानी बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, ये मुतासिर होती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो फिजिकल ग्रोथ होती है ये दो फैक्टर्स से क्या होती है, असरअंदाज होती है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स मुतासिर होती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से भी मुतासिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच इज नॉट द हेरिडिटी फैक्टर, हेरिडिटी फैक्टर कौन सा नहीं है, कलर, हाइट, आई कलर या डाइट,
ये तवारुस जो होता है, नस्ली विरासत, आपके जीन्स में जो चीज़ें आती हैं वो कलर भी आता है वालदैन की तरफ से, हाइट भी आती है, आई कलर भी आता है, लेकिन एक चीज़ होती है डाइट। डाइट हेरिडिटी फैक्टर नहीं है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, डाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन इज नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये आपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं कि दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो इंसानी डेवलपमेंट को और ग्रोथ को मुतासर करते हैं। एक होता है हेरिडिटी फैक्टर, ठीक है, तवारस, नस्ली, मतलब जो चीज़ें जीन्स के अंदर जो होता है वो आगे औलाद में मुंतकिल होती हैं। आपको पता है कि बच्चे अपने वालदैन की शक्लो सूरत के हामिल होते हैं, क्योंकि उनका जो ये जो जीन सिस्टम होता है, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, कि ये अपने वालदैन की मुशाबहत में होता है। एनीवेज, इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है हाइट। विच वन इज नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर, हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हूज रोल इज इंपॉर्टेंट इन मॉरल डेवलपमेंट। अखलाकी डेवलपमेंट में किन का किरदार अहम है? फियर, पेरेंट्स, टीचर्स, ऑल अबव, सब के सब का जो चाइल्ड के मॉरल डेवलपमेंट में किरदार होता है वो अहम होता है। इमोशनल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाई, जो इमोशनल जज्बाती जो डेवलपमेंट है वो किन चीज़ों से मुतासर होती है? फियर, रिस्ट्रिक्शंस, क्वरलिंग, पेरेंट्स, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव, इन सारी चीज़ों से इंसान की इमोशनल डेवलपमेंट मुतासर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, The word moral is derived from dash language. जो लफ्ज moral है, moral, ये कौन सी जुबान से माखूज है? तो इसका आंसर है लैटिन। क्या? लैटिन, लतीनी जुबान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The word moral is derived from Latin word mos. जो moral है ये किस लफ्ज से माखूज है? mos से। मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, मॉरल डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ शामिल होती है? व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आपको पता है ना, मॉरल अखलाकियात को कहते हैं या अखलाकी को कहते हैं, और अखलाकी या अखलाकियात क्या होती हैं कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वर्ड इमोशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। इमोशन जो वर्ड है ये भी लैटिन वर्ड्स से लिया गया है, और वो वर्ड्स कौन सा है? इमोवेयर, एमओ वेयर, एमओ वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोवेयर मीन्स स्टिरअप, टू एक्साइट, टू एजिटेट, ऑल अबव। आपको पता है जो इमोशन होते हैं ना, जज्बात, वो अचानक से कोई मतलब सैड चीज देख लें, अचानक से आपको आंसू बाहर निकल आएंगे, ठीक है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, और आप कोई चीज देख लें फनी सी तो फौरन मुस्कुराना शुरू कर देंगे, मतलब ये अचानक ही अंदर से एक भौंचाल की चीज है, ठीक है। तो स्टीरअप होना, जहरी बात है, यही मतलब है। टू एक्साइट, पुरजोश होना, जोश में आ जाना, अचानक रिएक्शन देना, ये भी वही है, इमोशनल एक्टिविटी है। टू एजिटेट, ठीक है, उकसाना इंसान को, ठीक है, तो ये भी यही चीज है। एन इमोशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, इमोशन की डेफिनेशन, ठीक है, तो ये क्या है? तो मैं डायरेक्ट जो डेफिनेशन है वही पढ़ूंगा, बाकी नहीं पढ़ूंगा। चॉइसेस, डिस्ट्रैक्टर्स, एन एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पांस टू स्टिमुलाई और फिनोमिनन। इमोशन की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी जहनी हालत जो के क्या होती है, जो सामने आती है, ऊपर उठती है, किससे? किसी भी मंजर, किसी भी फिनोमिनन के रिस्पांस के रिस्पांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमोशनल रिस्पांस टू सिंबॉलिक स्टिमुलाइज प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ। इमोशनल जो रिस्पांस टू सिंबॉलिक स्टिमुलाइज प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ, वो क्या? इसका आंसर है लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन टू अपियर इन इन्फेंट्स इज। बच्चों के अंदर जो पहला इमोशनल एक्सप्रेशन आता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है जनरल एक्साइटमेंट, क्योंकि इंसान जब बच्चे की शक्ल में दुनिया में आता है तो वो दुनिया में आकर हैरान ही होता है, तो ये पहला इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, हैरान होता है हर चीज पे, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, पुरजोश होता है वो, हर चीज को मतलब वो टच करने के लिए
हर चीज़ को देखने के लिए, हर चीज़ के साथ अटैचमेंट करने के लिए, इवन के उसे ये नहीं पता होगा कुछ शेर पास होगा या कोई डॉग पास होगा या कैट को पास होगा, कोई इवन माउस पास होगा, तो वो ये चाहेगा कि मैं इसके साथ भी अटैचमेंट करूं। मतलब वो एक्साइट होता है ना, एक्साइटेड होता है कि दुनिया में हर चीज़ जनाब उसकी फेवर में है, लेकिन उसे तो ये इमोशनल एक्सप्रेशन होता है पहला। नेक्स्ट है जी, दी ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी इज़ ड्यू टू, इनसिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या होती है जी, फियर। फियर, खौफ जो होता है वो इनसिक्योरिटी की सबसे बड़ी वजह होती है। विच इज़ द बेसिक बॉर्न इमोशन, पैदाइशी जो इमोशन होता है वो कौन सा होता है, वो लव होता है। क्या? लव। ठीक है, जैसे जो इंसान एक्साइटेड होता है वो बेसिकली लविंग भी होता है। ठीक है, कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज, ठीक है जी, फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या होती है, फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट, जारी बात है, पर्सनल वीकनेस, ये भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट्स अमंग मोटिव्स और ऑल ऑफ अबव, ये सारी की सारी कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन हैं। नेक्स्ट है जी, ये असल में मोटिवेशन की डेफिनेशन है, इसे आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। एन इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन विच फोर्सेस टू डू समथिंग एंड दैट इज अराउज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सम इंटरनल नीड ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड, ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, मोटिवेशन की, तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। नेक्स्ट है जी, मोटिवेशन इज बेस्ट डिफाइंड, मोटिवेशन क्या चीज़ होती है, मोटिवेशन होती है इंटरनल फोर्सेस विद इन द इंडिविजुअल। बेसिक जो मोटिवेशन होती है वो इंसान को अंदर से मिलती है, एक्सटर्नल जो मोटिवेशंस होते हैं, इनाम हो गया, सजा, मतलब नेगेटिव अगर मोटिवेशन की बात करें, ठीक है, खौफ हो गया, ठीक है, लालच हो गया किसी चीज़ का, ये सारी की सारी क्या होती हैं, टेम्प्ररी होती हैं, ठीक है, लेकिन जो असल मोटिवेशन होती है वो क्या होती है, आपकी इंटरनल इनर, जो आपको सेटिस्फैक्शन, सॉरी इनर जो फोर्स आपको किसी काम के करने पर मजबूर करे, तो इंटरनल फोर्सेस विद इन द इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से अब क्वेश्चन आएंगे, आईक्यू लेवल के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के। द आईक्यू ऑफ एवरेज चाइल्ड इज, जो एवरेज चाइल्ड का बच्चा होता है उसका आईक्यू क्या होता है, तो उसका आईक्यू होता है 90 to 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आईक्यू ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड इज, ज़हनी तौर पर जो बच्चा बिल्कुल मैं अक्सर बेहतर के पंप होता है, ठीक है, तो उसे उसका जो मेंटल आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट लेवल होता है वो क्या होता है, बिलो 90, ज़हनी मजूर जिसे आप कहते हैं, एक आरी कख नहीं सकता, शदाई पाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द आईक्यू ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड इज, इंटेलिजेंस कोशेंट किसका, गिफ्टेड, जो बहुत ज्यादा ज़हीन व फतीन बच्चे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है, उसका होता है 140 एंड अबव। ये इंटेलिजेंस कोशेंट के आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने। आईक्यू स्टैंड्स फॉर, ये आईक्यू इंटेलिजेंस, ये जो आईक्यू कहते हैं, इसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, इसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कंपैरेटिवली डाउन है, तो आईक्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, अब ये भी बहुत बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ये डेवलप किसने किया था, इंटेलिजेंस का टेस्ट किसने डेवलप किया था, तो एल्फ्रेड बीने। एंड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड इन, अब ये तो पता चल गया कि फर्स्ट इंटेलिजेंस किसने बनाया था, अब ये कब बना था, तो 1905 में, 1905 में ये बना था, एल्फ्रेड बीने वर्कड ऑन, तो एल्फ्रेड बीने ने किस पर काम किया था जी, इंटेलिजेंस टेस्ट पे, किस पे, इंटेलिजेंस टेस्ट पे। नेक्स्ट है जी, द फार्मूला टू डिटर्मिन आई क्यू वॉज गिवन बाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फार्मूला था आई क्यू को डिटर्मिन करने का वो किसने दिया था, तो ये दिया था स्टर्न ने। क्या? स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्न फार्मूला टू डिटरमिन आईक्यू इज, स्टर्न ने जो फार्मूला दिया था इंटेलिजेंस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का वो क्या था, MA/CA × 100, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच इज मेजर्ड बाई इन इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है उसमें कौन सी चीज़ हम मेजर करते हैं, तो इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर वर्बल एबिलिटी को, वर्बल एबिलिटी को हम क्या करते हैं,
मैयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस एज प्रेजेंटली डिफाइंड इज सिनोनिमस विथ, ठीक है जी, तो इंटेलिजेंस मौजूदा जब हम डिफाइन करते हैं तो ये किसका हम माना होता है, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड। स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड मतलब आपका जो एकेडमिक एप्टीट्यूड होता है उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट को टेक प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स, इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो क्या मेजर करता है, एकेडमिक पोटेंशियल, कि आपने क्या कुछ सीखा है एक एकेडमी में, एक इंस्टीट्यूट में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रह के आपने क्या सीखा है, तो ये चीज़ें मेंशन सॉरी मेजर करती हैं। मेंटल एज ऑफ चाइल्ड इज मेजर ऑफ, जो बच्चे की मेंटल एज होती है ये किस चीज़ का पैमाइश होती है, ये होती है लेवल ऑफ मेंटल मेच्योरिटी, कि इंसानी बच्चे ने, इंसानी दिमाग ने कितनी मेच्योरिटी, कितनी पुख्तगी हासिल कर ली है, इसकी पुख्तगी का लेवल क्या है, ठीक है, तो इस चीज का ये पैमाना होता है मेंटली। आईक्यू इज एन इंडेक्स ऑफ, आईक्यू इज एन इंडेक्स ऑफ, आईक्यू किस चीज की एक इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स है रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, एक फेरिस्त है ना, ठीक है, आईक्यू, तो ये क्या, रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। द एज मेजर्ड बाई एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज, इंटेलिजेंस टेस्ट के ज़रिए आपकी जो एज फाइंड आउट होती है तो वो कौन सी होती है, वो होती है मेंटल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस या डब्ल्यू ए आई एस, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, वाइस इज द इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर, तो वाइस जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये किसके लिए था, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए था वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, वोकेसलर स्केल इज अ टेस्ट टू मेजर, जो वोकेसलर स्केल होता है वो किस चीज को मेजर करने का एक टेस्ट होता है, तो इसका आंसर है इंटेलिजेंस, क्या है इसका आंसर, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट आइडेंटिकल इन, जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, कौन सी चीज में, लर्निंग में, इसका आंसर क्या है, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई क्यू ऑफ 7 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, अब जो फिजिकल एज है उसकी वो 7 ईयर्स है, ठीक है, और विद एन एम ए मेंटल एज उसकी कितनी है, 8 ईयर्स, ठीक है, तो वो वुड बी प्लेस्ड इन आई क्यू डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज, तो इसका आंसर होगा एवरेज। इस पे भी इंशाल्लाह अजीज एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ये मेंटल एज को फिजिकल एज, एम ए ओवर सी ए क्रोनोलॉजिकल जो एज होती है ये इस से, और इसका जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक जो आई क्यू एज होती है वो कैसे निकालते हैं, इस पर इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द इंटरेस्ट ऑफ बॉयज इन स्पोर्ट्स रीचेस इट्स पीक इन, जो बच्चों का खासतौर पे लड़कों का जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है वो कब अपनी कमाल को पहुँचता है, तो प्री एडोलेसेंट पीरियड में ये कमाल को पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चेंज इन बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम, बिहेवियर में जो तब्दीली आती है वो किस वजह से आती है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग से, किस वजह से आती है, लर्निंग से और मैच्योरेशन से, जब इंसान मैच्योर होता है। नेक्स्ट जी, एन इंडिविजुअल हु इज सोशली मालएडजस्टेड डेवलप्स बिहेवियर, एक ऐसा इनफरादी बच्चा या शख्स जो मुआशरती तौर पर क्या करता है, मालएडजस्टेड, अच्छे तरीके से वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो सकता, तो वो क्या करता है, उसका बिहेवियर कैसे होगा, वो इमोरली होगा, जाहिर बात है जी। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कमोबेश 100 क्वेश्चंस थे जो पीपीएससी, एफपीएससी और एफपीएससी में टाइम एंड अगेन रिपीट हो चुके हैं हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस के पेपर के लिए और खसूसी तौर पे लेक्चरर ऑफ एजुकेशन के पेपर के लिए, ये इस पर मबनी ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस या फिर लेक्चरर ऑफ एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।